देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग वीजी का इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरीके से वीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, वीजी कब आया, मतलब इस सेशन के अंदर हमारी वीजी की हिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है वीजी। वीजी इंडिया में पहली बार 1994 के अंदर लॉन्च हुई थी। वीजी कब लॉन्च हुई थी पहली बार? 1994 के अंदर लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी आपकी? 1994 के अंदर लॉन्च हुई थी। आज तक वीजी के अपने 6 वर्जन आ चुके हैं। कितने वर्जन आ चुके हैं वीजी के? 6 वर्जन आ चुके हैं। कितने वर्जन आ चुके हैं वीजी के? 6 वर्जन आ चुके हैं। क्लियर है? वीजी के 6 वर्जन आ गए। हमें वर्जन से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्किंग करने से मतलब है। क्या है? हमें वर्किंग करने से मतलब है। क्लियर है? चल बात चल रही है वर्जन की तो आपको बता दूं वीजी के अब तक 6 वर्जन आए। पहला वर्जन वीजी 3 आया था, फिर वीजी 12 आया, फिर वीजी 14 आया, फिर वीजी 16 आया और वीजी 17 आया एंड लास्ट है वीजी 18 जो अभी करंट में चल रहा है। हमें ये मतलब नहीं है कि वीजी कितने वर्जन आया, हमें अपने करंट वर्जन पे काम करना होता है क्योंकि हम कभी भी ओल्ड वर्जन के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। बट एक जनरल नॉलेज हो, अगर कोई इन फ्यूचर पूछे वीजी के कितने वर्जन आए तो हमें पता होना चाहिए वीजी के 6 वर्जन आए। वीजी लॉन्च कब हुआ सर? 1990 वीजी। सर कौन से एरिया है या कौन से स्टेट्स है? वीजी दिल्ली का सॉफ्टवेयर है, दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। इसका मेन ऑफिस वजीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में है। क्लियर है? ये हमें जानना है। सर इतनी बात आपने वीजी के बारे में हमें बता दी है तो हमें ये भी बता दीजिए वीजी का मेन यूज़ क्या है, वीजी किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं हम लोगों को बताना चाहूँगा कि वीजी मेन पर्पज़ होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब को मेंटेन करना, किससे कितना आ रहा है, किसको कितना जा रहा है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सभी किसके अंदर मेंटेन किया जाता है? बिजी अकाउंटिंग के बाद। अभी आप लोग 50 लड़के मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं आराम से अकाउंटिंग मेंटेन कर सकूँ। सर आपकी फ़ीस नहीं आई? सर आपकी फ़ीस नहीं आई, लेकिन जिस दिन आप 50 से 500 हुए ना तो मेरे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है मैं आपसे पूछूँ ना आपकी फ़ीस नहीं आई, हो सकता है मैं आपसे दोबारा पूछ लूँ कि भाई आपकी फ़ीस नहीं आई। क्लियर? चलो फिर भी 500 मैनेज, जब 5000 हो जाएंगे तो मैनेज करने में परेशानी आएगी, नाम ढूंढने में परेशानी आएगी। तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो उसको कोऑपरेट करे या इसको हैंडल करे। तो उसके लिए मार्केट में बीजी टैली या कई सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं जिनका मेन मोटिव होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना। क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? तो बीजी किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सर मैं भी बीजी सॉफ्टवेयर चलाना चाहता हूँ अपने घर पर, क्या मुझे बीजी सॉफ्टवेयर मिल सकता है? क्या सर मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा? क्या सर फ्री में मिलता है? तो बीजी का सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। बस बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? गूगल पर आना है और गूगल पर जाकर क्या लिख देना? www.busywin.com पर जाकर बीजी का सॉफ्टवेयर टाइप कर देना है। ये बीजी की अपनी एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और वो 30 दिन के लिए वैलिड होता है। कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 30 दिन के लिए वैलिड होता है और 30 दिन बाद वीजी का सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है। क्लियर है? वीजी को डाउनलोड करने के लिए हम प्रोडक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक टू डाउनलोड। इससे हमारा वीजी का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो बस मैं क्लिक करूँगा तो मेरा वीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और आई थिंक 1 मिनट के अराउंड हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि नेट की स्पीड पर डिपेंड होता है। जैसी नेट की स्पीड होगी उसी पर्पज़ से ये बोर्ड होता है। हमारी नेट की स्पीड अच्छी है तो ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड हो जाएगा नॉट इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, किसी भी सॉफ्टवेयर में या आप सिस्टम की बात करें तो पहले एक चीज़ डाउनलोड होती है उसके बाद हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम फ़ोन लाइन की बात करें तो फ़ोन लाइन में ऐसा प्रोसीजर नहीं होता। फ़ोन में क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है और ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाता है। हमें कुछ डाउनलोड करना हो या इंस्टॉल करने का कोई मैटर नहीं होता। लेकिन सिस्टम और मोबाइल में काफ़ी फ़र्क है तो इसलिए आपका कोई सिस्टम आपको डाउनलोड होता है एंड देन उसके बाद आपको क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया? डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने का तो हम क्या करेंगे? इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे? इस पे जाएंगे और
शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, जिससे जिस लोकेशन पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर रखा होगा वो शो हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, सभी सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड होकर आते हैं, डाउनलोड लोकेशन में आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बुक के आइकन के अंदर आपको शो हो रहा है, किसके अंदर, जैसे कोई किसी ने बांध दिया हो, इसे बोलते हैं रार फाइल फॉर्मेट। क्या कहते हैं? रार, आर ए आर, रार फाइल। ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कभी वायरस नहीं जा सकता, ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कभी वायरस नहीं जा सकता। जैसे समझ लो कोई तिजोरी है जिसमें ताला लगा हुआ है, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं वो ओपन नहीं हो सकता। क्लियर है? इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन तरीके हैं। पहला, हम इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक फाइल कर देंगे। एक्सट्रैक फाइल होता है इसके अंदर से उस चीज़ को निकाल देगा। जैसे जैसे मैं एक्सट्रैक फाइल पर क्लिक करूँगा तो इस सबसे पहले एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा, सर आपको ये फाइल अलग करनी। मैंने कहा अलग करनी, किस नाम से एक फोल्डर बने और उसके अंदर आए। एक्सट्रैक फाइल क्या होगा, सबसे पहले एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर एक फाइल जाके बन जाएगी। आप चाहते हो फोल्डर का नाम क्या रखो, तो मैंने बोल दिया सेटअप 1 2 3 4 रख देना। फोल्डर का नाम क्या रखना, और ये सेटअप कहाँ पर आएगा, ये सेटअप आपको डाउनलोड के अंदर आएगा। अगर मुझे सेटअप को कहाँ पर ले जाना हो, डेस्कटॉप पर, तो मैं किस पर क्लिक कर दूंगा, डेस्कटॉप। तो ये सेटअप कहाँ पर बन के आएगा, डेस्कटॉप पर आएगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी डेस्कटॉप पर इस नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर पड़ा हुआ है। यस यस टू ऑल करूँगा तो देखिए सेटअप नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, सेटअप नहीं, ये आ गई फाइल। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको इंस्टॉल करना है। ये तो हो गया एक्सट्रैक फाइल, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रैक हेयर करता तो फाइल क्या होती, यहीं अलग हो जाती। क्या हो जाती वो, यहीं अलग हो जाती। एक्सट्रैक हेयर करूंगा तो फाइल डायरेक्ट यहीं अलग होके आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करोगे, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पे आओगे और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर है? तो आप इसी तरीके से बीजी का कोई सा भी वर्जन आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट। इससे आपका बीजी का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, एंड देन डाउनलोड के बाद वो किस तरीके से इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल के लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। आपके ये भी आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम में अच्छी रैम लगी होगी, अच्छा प्रोसीजर होगा, तो ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम स्लो बेस पर होगा तो इसमें टाइम लगेगा। देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया और ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने का एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा फिनिश। ये कोशिश नहीं करना कि आप इसको कैंसिल कर दें, गलत हो जाएगा। 2 मिनट आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर किसका मैसेज ना आ जाए, फिनिश का। आपको लग रहा होगा ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया, बट एक्चुअली में इंस्टॉल नहीं हुआ है। कुछ ऐसी फाइलें भी इंस्टॉल हो रही हैं, अगर ये आप इसे कैंसिल कर दोगे तो फाइल प्रॉपर वे में इंस्टॉल नहीं हो पाएंगी। तो हमारा एक मेन मोटिव होता है कि जब तक इस पर फिनिश का मैसेज नहीं आए, हम इसका आगे प्रोसेस नहीं करेंगे।
ओके फिनिश का मैसेज आ गया, फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश हो जाने के बाद हम बिजी को ऑन कर लेंगे। आप जानते हैं अगर बिजी का हम कभी डेमो मोड ऑन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर कैसे मैसेज आ रहा है, इस पर लिखा होता है आज सिक्योरिटी डज नॉट फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। क्या मतलब से आता है कि आप जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेमो मोड पर स्टार्ट हो रहा है, और डेमो मोड का मतलब होता है 30 दिन। 30 दिन के बाद बिजी का सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। क्लियर है? लेकिन हमारे पास मैसेज आ रहा है सिक्योरिटी चेक, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस सॉफ्ट लॉक हैज बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूजर मोड इंटरप्राइज एडिशन। क्लियर है? हम इसको क्लिक कर देंगे। सर बिजी डेमो पर क्यों होता है, क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर कहता है कि अगर आपको बिजी चलाना है तो पहले कुछ दिन यूज कर लो, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे देन आप उसको परचेज कर लेना। तो हर जगह आपको डेमो मिलता है, आप शर्ट खरीदने जाओ आपको पहले कहेगा सर चेक कर लो फिटिंग आ रही देन परचेज करो वरना छोड़ दो, तो वो ट्रायल बोलता है, यहाँ डेमो कहलाता है। अब हमें कहना है क्रिएट कंपनी पर, और जिस नाम से भी कंपनी बनानी है वो नाम हमें यहाँ डाल देना है। जैसे मुझे कंपनी का नाम रखना है एसएस सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ कंपनी का नाम डाल दिया एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, लेकिन जिस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। क्लियर है? इस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट ये 3 बार डॉट के नाम की नहीं है। मतलब जो भी कंपनी का नाम हो वो नाम आपको यहाँ डाल देना है, अमन यश जो भी नाम हो यहाँ टाइप कर दो, ट्रेडिंग इंटरप्राइज जिस नाम से वो टाइप कर दो। क्लियर है? इसके बाद कंपनी का शॉर्ट नेम क्या बनता है, एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, कंट्री आपकी इंडिया है, स्टेट आपका दिल्ली है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को बंद हो जाता है। ये मैटर नहीं करता वो कंपनी स्टार्ट कब कर रहा है या बिजनेस कब स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस जब मर्जी स्टार्ट करे उसकी लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च। क्लियर? इसके बाद आता है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम एंट्री कब से करनी है, कंपनी बन गई 1-4 से और एंट्री कब से करनी है, तो आप 1-6 डाल दो, लेकिन मेरा एक सजेशन होगा कि दोनों एक जैसा ही डालें ताकि इन फ्यूचर हमें परेशानी ना हो, मैं 1 अप्रैल की भी एंट्री कर सकूं और 31 मार्च की भी कर सकूं। अगर आपने यहाँ बाउंडेशन लगा दी तो इसका मतलब सिंपल सा है, क्या 2 महीने पीछे की एंट्री हम बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। उसके बाद जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो टाइप कर देंगे, एड्रेस के लिए 4 लाइन होती है और हर लाइन में हम लोग 40-40 वर्ड डाल सकते हैं। सिन नंबर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे एक बंदे की पहचान आईटी पैन कार्ड के नंबर के जरिए होती है, एक कंपनी की पहचान सिम नंबर के जरिए होती है। जब भी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और मुझे गवर्नमेंट से बोलना पड़ेगा कि सर मुझे सिन नंबर दे दो। सिन नंबर क्या होता है, उस कंपनी की आइडेंटिफिकेशन बताता है, इसलिए इसका नाम है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके लिए डीप में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है आईटी पैन कार्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लो, चाहे आप जीएसटी की बात कर लो, किसी भी लॉ के अंदर चले जाओ इनकम टैक्स नीडेबल होता है। सर आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सर 10 अंकों का होता है, शुरू के पहले 5 अक्षर अल्फा होते हैं, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है, लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रक्चर होता है। शुरू अब मैंने बता दिया टोटल ये 10 अंकों का होता है, पहले 4 अक्षर आपके अल्फा होंगे, उसके बाद 5 अक्षर अल्फा होंगे, फिर 4 अक्षर न्यूमेरिक होंगे और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा। लेकिन सर जो फोर्थ कैरेक्टर होगा ना आपका स्टार्टिंग का फोर्थ, वो आपकी पहचान बता देगा। अगर आप कंपनी होगे तो यहाँ पर सी आएगा, अगर आप पार्टनरशिप फर्म होगे तो पी आएगा, अगर आप फर्म होगे तो एफ आएगा, अगर आप गवर्नमेंट बॉडी होगे तो जी आएगा। क्लियर है? अगर आप फॉरनर होगे तो एफ आएगा। किसमें किसमें
वो तो अनडिवाइडेड होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, हम बाद में डिस्कस करें। फिफ्थ कैरेक्टर आपका सरनेम होता है, जैसे अंकित वर्मा, अभिलाष शर्मा, रवि कुमार, मंथन शर्मा, इन सभी के सरनेम का पहला अक्षर, उसके बाद चार नुमेरिक और लास्ट का एक वर्ड अल्फा। सर एक मेरे मन में क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि सर आपने फुल फॉर्म बता दी हम समझ गए, सर आपने फॉर्मेट बता दिया हम समझ गए, सर यूज़ क्या है? जब भी तुम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उस समय आपके पास आईटी पैन कार्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट मुझे मेरे नाम से नहीं जानती, गवर्नमेंट मेरे आईटी पैन कार्ड से जानती है। ये FSNPS 4890C शाहरुख ने है, ठीक है? जैसे क्लास में उस बच्चे के नाम की वैल्यू नहीं होती, उसके रोल नंबर की वैल्यू होती है, उसी तरीके से इस कंपनी के अंदर या उस एक पर्सन के लिए उस कंपनी का आईटी पैन कार्ड मैटर करता है। उसके बाद वार्ड नंबर, जो इलेक्शन के लिए बोलते हैं कि हमारे एरिया से ये उम्मीदवार खड़ा हुआ है, इसको भारी मतलब इसे विजय बनाइए, तो वो जो वार्ड नंबर होगा वो टाइप कर देंगे। फिर कंपनी का टेलीफोन नंबर, फिर कंपनी का फैक्स नंबर, एंड देन कंपनी की मेल आईडी। और उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाके क्या कर दोगे? सेव। करेंसी सिंबल कभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही कंट्री से लिंक होता है, कंट्री चेंज हो जाएगी तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सेव पर क्लिक करेंगे और हमारी कंपनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कंपनी बनेगी हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा जिस पर पहले लिखा होगा कंग्रेचुलेशन, योर कंपनी हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली एंड नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रमोटेड सुपर यूजर पासवर्ड और री पासवर्ड। कहता है कि अब आपकी कंपनी एक सही तरीके से बन गई है, इस कंपनी के अंदर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड डाल दीजिए ताकि कोई दूसरा अननोन पर्सन आके आपकी कंपनी को ऑन ना कर सके। क्लियर है? तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो भी पासवर्ड डालोगे वो जिस कंपनी होगी उस कंपनी का पहला अक्षर डालोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद मैं आपकी कंपनी को ऑन कर सकूँ। क्या कर सकूँ? आप लोगों की कंपनी को ऑन कर सकूँ। इसलिए जब भी आप कोई कंपनी बनाओगे उस कंपनी का पहला अक्षर जो भी होगा वही आपका पासवर्ड होगा, वही आपका यूज़र नेम होगा। क्लियर है? ये देखिए आप मैसेज जस्ट एक मिनट के अंदर आने वाला है। सेम मैसेज है जो मैंने भी आपको स्पेल करा और बताया भी है, इस कंपनी के अंदर पासवर्ड यूजर डाल देंगे और सेव कर देंगे। अब मेरी कंपनी बंद हो गई, सॉरी बन गई, बंद नहीं होगी, बन गई। क्लियर है? कंपनी बनने के साथ साथ देखो नीचे मेरी कंपनी का यूजर नेम, मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, मेरी कंपनी का कोड नंबर कितना है, मेरे कंपनी का यूजर नेम कितना है, मेरा स्टेट क्या है। अगर कंपनी को बंद करना है तो दो बार स्कैप बटन दबा दो। स्कैप बटन ये आता है ना, बिल्कुल दो बार स्कैप बटन दबाओगे तो एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू क्लोज, आई वांट टू क्लोज दिस कंपनी एंड यस। उसके बाद जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी को ऑन कर लो। क्लियर है? तो अब कंपनी हमेशा लाइफ में एक बार बनती है और नेक्स्ट डे आगे हमें उसी में ही काम करना होता है। क्लियर है?